नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां कृष्णानगर थाना पुलिस एवं डीसीपी साउथ सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में आज एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर विगत 12 जून को सराफा मार्केट से सत्संग से लौट रही एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई टप्पेबाजी की वारदात का खुलासा किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से इस घटना से संबंधित बुजुर्ग महिला के जेवर सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा अभियुक्त आउटर दिल्ली में सांसी गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। ये गैंग टप्पेबाजी सहित हरियाणा में शराब की तस्करी एवं नकली नोटों की गड्डी दिखाकर लोगों को ठगने का काम करता है। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। दिनांक 12/6/2024 को एक महिला श्री चंद सेतिया की माँ सत्संग से वापस आ रही थी, अपने घर जा रही थी। शाम को लगभग 7:30 के आसपास दो महिलाएं मिली और उन महिलाओं ने उनको गुमराह करके किनारे ले गई और उनका जो जेवर है वो ले लिया और इसके बाद चली गई। ये घटना चूँकि बहुत गंभीर थी और उसको गंभीरता से लेते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और तभी सर्विलांस टीम और कृष्णानगर की टीम लगाई गई थी। इन दोनों संयुक्त टीमों ने मिलकर के काम किया और जो गैंग पकड़ा, इसमें एक आदमी है सुमित जिसको पकड़ा है। ये दिल्ली का रहने वाला है, ये मूल निवासी वैसे मथुरा कोसी कला का है लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रहता है। जहाँ पर रहते हैं वो पूरा का पूरा मोहल्ला सातिर चोरों का ही है और टप्पेबाजी का ही काम करते हैं। इसके कथनानुसार जो इससे पूछताछ की गई, इनका मॉडल सपरेंडी ये रहता है कि इनके साथ दो महिलाएं हैं ये और एक गाड़ी अपनी खुद की गाड़ी है उससे चलते हैं और विभिन्न शहरों में जा करके रैकी करते हैं और इस तरह से टप्पेबाजी करके तुरंत ही वापस चले जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं हैं। इसमें भी कृष्णानगर घटना में भी यही काम किया था, ये पहले आया, ये घटना को अंजाम दिया, इसके बाद ये लोग अयोध्या चले गए, वहाँ दर्शन किए, दर्शन करके सीधा वापस आए और एक्सप्रेस वे होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे देन जमुना एक्सप्रेस वे होते दिल्ली वापस चले गए। ये पुनः ये कानपुर उसी रास्ते से होते हुए लखनऊ आया था, इसी फिराक में था और चूंकि इसमें हमारी टीम लगी हुई थी तो इसको पकड़ लिया गया और जो इसने खुलासा किया उसने जो नाम बताए हैं उन पर अलग से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो भाग गई है महिलाएँ और ये पकड़ा गया। इसके साथ जिस गाड़ी से इन्होंने घटना किया था वो गाड़ी बरामद हुई है तथा लूट का कुछ सामान कुछ पैसे बरामद हुए हैं। साथ ही ये इसका मॉडल सपरेंडी ये भी है कि जिस गाड़ी से चलता है उसकी नंबर प्लेट चेंज करते हैं क्योंकि जो अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट होती है वो नहीं, दूसरी नंबर प्लेट लगा के चलते हैं और ये अपना निकलते चले जाते हैं जिससे पकड़ नहीं पाते, कोई नहीं पकड़ पाता। तो ये जो गैंग पकड़ा गया इसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे, इसमें इसकी लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। दूसरा एक जो बातें और आई है कि ये वंश परंपरागत शराब का कारोबार अवैध करने वाले लोग हैं, ये पहले से इनके पिता इनके ग्रैंडफादर यही काम करते रहे, अभी भी ये काम ये दिल्ली में करते हैं जो इसने बताया है। तो इसका पूरा आपराधिक इतिहास और तलाशा जा रहा है, इसमें और कौन कौन से गैंग के सदस्य हैं इनके बारे में भी जानकारी कर ली गई है और शीघ्र ही उनको भी कब्जे में लिया जाएगा और इसकी जो मेन महिलाएँ जो इनकी हैं उनको भी जल्दी ही अरेस्ट किया जाएगा। सर, खुलासा करने वाली टीम को क्या पुरस्कार दिया जाएगा? जो ये टीम थी वो बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए 10,000 इनाम मेरी तरफ से दिया गया। सर, जो गाड़ी का इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी इनकी थी कि किराए की थी? हाँ, गाड़ी इन्हीं की है, ये सुमित जो है इसी की गाड़ी, इसी के नाम है। सर, लखनऊ दिल्ली से 500 किलोमीटर दूरी है और क्या इससे पहले कोई घटना इन लोगों ने किया या पहली बार इन लोग हैं और लखनऊ में क्यों चुना? ये देखिए, घटनाएं तो ये विभिन्न शहरों में किए हैं लेकिन चंडीगढ़ में भी घटनाएं किए हैं लेकिन अभी वहाँ के बारे में पता कर रहे हैं। और जो लखनऊ की जो बात इन्होंने बताई, एक घटना किया दोबारा करने आए थे तो ये पकड़ गए। सर, सुमित पर करीब 10 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, इस पर क्या और कार्रवाई करेंगे बढ़ाकर? हाँ, इनकी जानकारी की जा रही है, अगर उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उसके आधार पर हम लोग गैंगस्टर या और अन्य कार्रवाई करेंगे। साथ ही इनके जो और क्रिमिनल हैं साथी हैं उनका भी पूरा निकाला जाएगा, इनके जमानतदार कौन है पूरा सब कुछ इसका निकाल करके कार्रवाई होगी। सर, सुमित की अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? अरेस्टिंग यही कानपुर रोड से हुई, पूरन मस्जिद के पास जो घटना हुई थी उसी तरफ ये जा रहे थे और कानपुर रोड से इसको गिरफ्तार किया गया। सर, किस तरह से इसे निशाना बनाते थे? ये जो महिलाएं होती हैं
जैसे देखते हैं कि कोई महिला है जेवर पहने हुए है, अकेली है या एक दो लोग हैं, तो उन्हीं को ये चुपचाप सुनती है, बातों में गुमराह करती है और किनारे ले जाती है और उनसे जो है कई बार तो ये नोटों की गड्डी भी फर्जी बनाती है, ऊपर एक नोट लगा के नीचे गत्ता लगा के ये भी दिखा करके गुमराह करके उनको लेती है। कई बार किसी तरह का बहाना, जैसे इस घटना में इन्होंने क्या किया था, ये कहा था कि आगे एक घटना हो गई है, पुलिस चेकिंग कर रही है, कहीं आपके जेवर ना ले ले, इसलिए आप लोग उतार के रख ले, हम भी उतार रहे हैं, ऐसे उतार के रखवा लिया और फिर अपना वाला बंडल उनको दे दिया, उनका लेके चली गई। सर दोबारा जब लखनऊ आए तो इसके साथ और भी कौन लोग थे? दो महिलाएं और थी लेकिन वो मिस हो गई कुल मिला के, उस मौके पर नहीं थी और फिर मिल गई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।